हेलो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था वाटर और उसके पहले हमने पढ़ा टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे लाइट और सॉइल। तो चलिए लाइट देखते हैं। लाइट लाइट कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। लाइट इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन हम कहाँ से मिलता है, लाइट की वजह से। लाइट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जनरल प्रोसेस है, आपको भी पता होगी। आपको पता कि फोटोपीरियड आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो हमें फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे फोटोपीरियड, जो कि इसेंशियल होता है फॉर फ्लावरिंग। मतलब अगर झाड़ पे फूल खिलने हो तो फोटो पीरियड उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि लाइट कब तक होगी कब तक नहीं, लाइट के हिसाब से उनका फ्लावरिंग होता है। लाइट अगर कुछ प्लांट्स है जो कि लाइट पे डिपेंडेंट है, तो उनकी फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंडेंट होगी और उसके हिसाब से वो चेंज होगी। उसके साथ ही फ्लावरिंग के साथ ही बर्ड्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं लाइट पर, मतलब उन पे भी लाइट का इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो हम कुछ नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉक्टर्नल एनिमल्स या डायर्नल मतलब ऐसे एनिमल जो कि एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग डे और सम ड्यूरिंग नाइट। मतलब नॉक्टर्नल कुछ ऐसे एनिमल है जो कि दिन में एक्टिव होता है, और कुछ ऐसे एनिमल है जो दिन में एक्टिव नहीं होते, मतलब ड्यूरिंग नाइट एक्टिव होते हैं। एनिमल्स सम एक्टिव ड्यूरिंग डे एंड सम ड्यूरिंग नाइट। ओके, तो लाइट कैसे डिपेंड करता है, लाइट कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को और पॉपुलेशन को और ऑर्गेनिज्म को, ये हमने यह देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे सॉइल। सॉइल को एडैफिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एडैफिक फैक्टर। सॉइल में सॉइल वाटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर और पार्टिकल साइज पे डिपेंड करते हैं। मतलब पार्टिकल साइज पे होता है कि वो कितने एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर और कितने नहीं कर सकता है। मतलब पार्टिकल साइज ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन मतलब पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, डिपेंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब कुछ सिल्ट होंगे, सिल्ट कुछ क्ले, मतलब साइज के हिसाब से जो सबसे बारीक सॉइल होगी वो उसमें मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगी, जो बड़ी होगी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग होगी। मतलब इसके हिसाब से साइज पे डिपेंड करता है पार्टिकल से साइज पे सॉइल में कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखते हैं क्ले, सील्ड क्ले, उसके बाद फाइन सैंड, कोर सैंड, मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार होते हैं। फिर लास्ट में ग्रेविल। ये क्या है, सॉइल के अलग अलग साइजेस के रूप में डिफरेंशिएशन। सॉइल के साथ ही पीएच भी बहुत डिपेंड करती है। सॉइल की पीएच 5.5 से 6.5, ये कैसे है, स्लाइटली एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच है जो कि इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। मतलब पीएच अगर
एसिडिक हो तो प्लांट अच्छे से वर्क कर सकता है। उसके लिए सॉइल की पीएच कैसी होनी चाहिए? 5.5 से 6.5, मतलब इसके हिसाब से सॉइल क्या करेगी, सॉइल की पीएच के हिसाब से क्या होगा प्लांट के वर्क होगा। प्लांट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा सॉइल के पीएच के हिसाब से। और कुछ मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स, क्या मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सॉइल से, फ्रॉम सॉइल, मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब होता है, रॉक जब वेदर होते हैं मतलब वो फूट जाते हैं, उनसे क्या होता है कुछ मिनरल्स बाहर पड़ते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक से, उसे क्या कहते हैं हम, पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस जो कि फिजिकल या केमिकली भी हो सकता है। फिजिकली और केमिकली, मतलब जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है वो केमिकली मतलब भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स की वजह से भी होता है, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, मतलब कुछ हवा की वजह से, कुछ बारिश बारिश की वजह से, अलग अलग चीज़ों की वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, उसकी वजह से हमें मिनरल्स मिलते हैं। ओके, एक टर्म है ह्यूमिफिकेशन, उसे हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, विच गेट्स एडेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऐड हो जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन। कुछ एनिमल्स का डिफरेंशिएशन दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, हमने टेम्परेचर में वो देखा है, रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, कुछ नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्फोर्स, कॉम्फर्म्स, COFORMS, कॉम्फर्म्स, मतलब जो रेगुलेट करने वाले हैं, मतलब वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। कुछ एनिमल है जो कि मेंटेन कर सकते हैं अपने टेम्परेचर को, मतलब अगर वो टेम्परेचर चेंज होता है तो वो टेम्परेचर के हिसाब से उनकी बॉडी की टेम्परेचर चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी।